guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I am going to discuss about the current affairs for the month of January 2020 and the category is state. So, Andhra Pradesh, जो कि फर्स्ट स्टेट है कंट्री की दैट प्लान्स टू डिलीवर सैंड एट द डोर स्टेप्स. जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगमोहन रेड्डी, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वो डोर डिलीवरी करेंगे किसकी, सैंड की, कस्टमर्स को नए साल से. सो गवर्नमेंट है ये क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे ओवर द सैंड स्कार्सिटी इन द स्टेट और उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था फ्री सैंड पॉलिसी ऑफ अर्लियर TDP गवर्नमेंट. सो टन ऑफ सैंड वो कितना कॉस्ट करेगी, 370 रुपीज़, 4.90 रुपीज़ पर किलोमीटर शुड बी गिवन एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज. नेक्स्ट है केरला की न्यूज़. केरला CM है जो, उन्होंने क्या लॉन्च, CM कौन है, पिनराई विजयन, उन्होंने क्या लॉन्च किया है, केरला रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च किया है ताकि वो रियल इस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी ला सके. इसलिए कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रियल इस्टेट सेक्टर में CM ने KRERA लॉन्च किया है और ये हेल्प करेगा टू रीडिफाइन द प्रमोटर बायर रिलेशनशिप. सो रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग जो ओडिशा गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू डिजिटलाइज ओडिशा गैजेट. अब ओडिशा ने 5 इनिशिएटिव लिए थे, उन 5 इनिशिएटिव का ही ये पार्ट है कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजिटलाइज ओडिशा गैजेट को पब्लिश करने के लिए एंड दे हैव मूव फॉरवर्ड एज अ पेपरलेस मोड ऑफ पब्लिकेशन. सो ई साइन इंटग्रेशन ये कैरी होगा फॉर सिक्योर ऑथेंटिकेशन ऑफ दी इंडेंटिंग डेप्ट. इज इट क्लियर. नेक्स्ट इज की जो त्रिपुरा है वो रिचुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं लाए हरोबा. लाए हबोरा ये एक रिचुअल फेस्टिवल है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय मणिपुरी मिटाई कम्युनिटीज़ और ये 5 दिन का फेस्टिवल होता है एंड दिस फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड बाय द स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेबती मोहन दास. और उनका एम क्या था कि ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज़ को होल्ड करना है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू ओरल लिटरेचर म्यूजिक डांस एंड रिचुअल्स. नेक्स्ट क्या है जो क्विक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इन्होंने फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेट किया है. कहाँ पे, गुजरात में किया है, जो इनका क्या हेल्प करेगा टू कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द सेल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फेमस पटोला सारीज. सो क्विक ये स्टेचुटरी बॉडी है जो 1957 में फॉर्म हुई. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र है, उन्होंने कैंपेन लॉन्च किया है ओवर 100 स्कूल्स कॉलेजेस फॉर वुमेंस सेफ्टी. महाराष्ट्र के साइबर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पुलिस को ने क्या कंडक्ट करना है, साइबर सेफ वुमेन कैंपेन और ये 100 स्कूल्स कॉलेजेस में से भी ज़्यादा में कंडक्ट किया गया है जिसमें वुमेंस को, गर्ल्स को गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से साइबर स्पेस में दे हैव टू स्टे सेफ टू कॉमेडरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्री बाई फुले. सो सावित्री बाई फुले इनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया रिगार्ड किया जाता है. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो कोलकाता पुलिस है, उन्होंने 3rd edition स्टार्ट किया है ऑफ सुकन्या प्रोजेक्ट. सो 3rd batch है जो सुकन्या इनिशिएटिव, वो 100 cities बेस्ड स्कूल कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ था जो कि कोलकाता पुलिस ज्यूरिस्डिक्शन में सिचुएटेड है. ये जो कोलकाता पुलिस का इनिशिएटिव था, ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है गर्ल स्टूडेंट्स को ऑफ सिटी बेस्ड स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़. सो इट वॉज फंडेड बाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ दी स्टेट. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, इन्होंने हाई इनपेशेंट डिपार्टमेंट केयर सेंटर्स कंट्री में रजिस्टर किए हैं. इसलिए सो जम्मू और कश्मीर एक ऐसे, जम्मू एंड कश्मीर दे हैव रजिस्टर्ड द हाईएस्ट इनपेशेंट डिपार्टमेंट केयर सेंटर्स इन द कंट्री. इसलिए सो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% इनपेशेंट डिपार्टमेंट एंड केयर रूरल एरियाज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जहाँ पे कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जा रही हैं. सो ओवरऑल में अगर देखा जाए जो वुमेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, दे आर अवेलिंग एंटी डेंटल केयर सर्विसेज.
नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि गुजरात है, दे हैव टू सेट अप विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर स्टेट में. सो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी, उन्होंने क्या अनाउंस किया है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर सेटअप करना है. कब करना है? ड्यूरिंग विच फेस्टिवल? चिल्ड्रंस इनोवेशन फेस्टिवल, सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द नर्चर एंड प्रमोट चिल्ड्रंस इनोवेशन इन दिस स्टेट. सो चिल्ड्रंस इनोवेशन फेस्टिवल ये इट इज़ इन पार्टनरशिप विद यूनिसेफ. CIFA वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर चिल्ड्रंस अप टू 18 ईयर्स ओल्ड. नेक्स्ट क्या है कि अम्मा वोदी स्कीम ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है. तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने अम्मा वोदी स्कीम लॉन्च की है. इस स्कीम के अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे टू द ट्यून ऑफ रुपीज़ 15,000 पर ईयर. किनको प्रोवाइड करेंगे? मदर्स को, गार्डियंस को, जो अपने बच्चों को स्टेट रन स्कूल्स में भेज रहे हैं. सो स्टेट है कितना स्पेंड करेगी? 6,455.80 करोड़ टूवर्ड्स दी स्कीम दिस ईयर. नेक्स्ट क्या है कि जो गुजरात है, गुजरात क्या इम्पोर्ट कर रही है? वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स फ्रॉम चाइना. सो हाई ग्रेड एग्रीकल्चर इनपुट्स को इनकरेज करने के लिए जो गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है, उन्होंने इम्पॉर्टेंट वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र चाइना से लॉन्च किया है. और उन्होंने ये भी प्लान किया है कि वो कस्टमाइज ग्रेड्स लॉन्च करेंगे ऑफ स्टेट स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स. सो फर्टिलाइजर्स हैं वो मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं अंडर इट्स ब्रांड एग्रो. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो केरला चीफ मिनिस्टर हैं वो क्या लॉन्च कर रहे हैं? NRK's इन्वेस्टमेंट. पिनायरी विजयन ने एक वेबसाइट लॉन्च किया, ओवरसीज कैरेस्टर इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग लिमिटेड, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप की है टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी नॉन रेजिडेंशियल केरलाइज. सो कंपनी है ये फॉर्म हुई थी विद द विजन ऑफ ग्लोबल थॉट फॉर लोकल ग्रोथ. कंपनी अगस्त 2019 में फॉर्म हुई थी. नेक्स्ट क्या है कि जो बेंगलुरु है ये इंटरनेशनल अपैरल होस्ट करेंगे सोर्सिंग एक्सपो. सो 3-day इंटरनेशनल अपैरल सोर्सिंग शो वो कि 2020 में हेल्ड हुआ है बिटवीन 20th February एंड 22nd February बेंगलुरु में. और ये अपैरल रिसोर्सेज सोर्सिंग शो से ने ऑर्गेनाइज़ किया था. और वहाँ पे क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 3-pillar अपॉर्चुनिटी, 3 pillars, और वो 3 pillars क्या है? अपॉर्चुनिटी, नॉलेज एंड इंस्पिरेशन. सो इंडिया इट्स द थर्ड लार्जेस्ट फैशन एक्सपोर्टर इन दी वर्ल्ड. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो वर्कशॉप कम एग्जीबिशन है ऑन बैम्बू वंडर ग्रास वो कहाँ पे कंक्लूड हो रहे हैं? जम्मू में. सो 2-day वर्कशॉप कम एग्जीबिशन है बैम्बू पे, जिनका एम क्या है? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, जो कि जम्मू में कंक्लूड हुई थी. और उन्होंने क्या रिकमेंड किया? प्रमोशन ऑफ द यूज़ ऑफ बैम्बू एज कंस्ट्रक्शन मटीरियल फॉर इको टूरिज्म. सो कैपेसिटी बिल्डिंग जम्मू एंड कश्मीर फार्मर्स आर्टिसन की डिस्कस की गई थी इसमें. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, प्रपोजल वर्थ ₹6,608 करोड़ वो तमिलनाडु में अप्रूव किया गया है. सो तमिलनाडु में फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ 6,608 करोड़ रुपीज़ अप्रूव किए गए हैं. ये जो प्रपोजल था वो हाई लेवल कमेटी इंडस्ट्रियल गाइडेंस पे थी, उन्होंने क्लियर किया है. और एंड दिस इट इज़ ऑल्सो क्लियर्ड बाय द सिंगल विंडो सिस्टम विच इज़ लेड बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर येदापी के पलानीस्वामी. सो 15th न्यू इन्वेस्टमेंट है ये, वर गिवन दी नोट. नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो एम वेंकैया नायडू हैं, ये एक न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल तेलुगु एट नेलोर इनॉग्रेट करेंगे. इज इट क्लियर? सो CESCT को कौन इनॉग्रेट करेगा? एम वेंकैया नायडू. ये और ये कहाँ पे है? ये इंस्टीट्यूट नेलोर आंध्र प्रदेश में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिक तेलुगु. ये किसके अंडर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस के अंडर है.
ये पहले मैसूर में फंक्शन कर रहा था एंड नाउ शिफ्टेड टू नेलोर. सो इनॉग्रेशन है दैट विल टेक प्लेस ऑन 21 जनवरी 2020. सो वर्ल्ड बैंक सर $88 मिलियन साइन कर रहे हैं एग्रीमेंट फॉर दी असम आइलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. सेंटर और असम गवर्नमेंट है, इन्होंने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसका कॉस्ट क्या है $88 मिलियन विद वर्ल्ड बैंक फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ताकि असम इम्प्रूव को हेल्प करना पैसेंजर्स फेरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि ब्रह्मपुत्र और बैरक रिवर्स पे लोकेटेड है. असम कैपिटल दिसपुर, CM सर्बानंदा सोनोवाल. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कि जो आंध्र प्रदेश कैबिनेट है वो डिसेंट्रलाइज्ड कैपिटल्स क्लियर कर रहे हैं अक्रॉस अमरावती विजाग एंड कुर्नूल. सो आंध्र प्रदेश ने क्या क्लियर किया है, डेक्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती विशाखापट्टनम कुर्नूल एज द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल सिटीज़ के लिए. जो ये आंध्र प्रदेश CRDA रिपील बिल 2020 है, इन्होंने भी दे हैव ऑल्सो गिवन देयर नॉट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमरावती मेट्रो रीजन. देव ऑथर AP गवर्नर कौन है, B हरिचंद्रन. CM कौन है, YS जगमोहन रेड्डी. नेक्स्ट क्या है कि जो वेस्ट बंगाल टॉप स्टेट है वेजिटेबल प्रोडक्शन इन 2018-19 में, तो स्टेट वाइज हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन डाटा के अकॉर्डिंग जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, वेस्ट बंगाल का जो प्रोड्यूस है दैट इज़ 29.55 मिलियन टन्स ऑफ वेजिटेबल प्रीवियस ईयर्स एज कम्पेयर टू 27.70 मिलियन टन इन द ईयर बिफोर. सो वेस्ट बंगाल है, दे हैव अकाउंटेड फॉर 15.9% ऑफ टोटल प्रोडक्शन. आंध्र प्रदेश है, इट विल कंटिन्यू टू होल्ड ऑन द टॉप पोजीशन इन फ्रूट्स. नाउ नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग कि जो उड़ीसा का महाउत्सव है वो गुजरात में स्टार्ट होना है और ये 2 दिन का उत्सव होता है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो कि लॉन्च हुआ था. इसमें उड़ीसा के 1 लाख से लोगों ने भी गुजरात में सेटल हुए थे और उन्होंने अपना आर्ट कल्चर ट्रेडिशन रिच हेरिटेज है जो उड़ीसा का वो शो किया था इन द फेस्टिवल. सो गुजरात के CM कौन है, विजय रामनिकाल रूपानी और उड़ीसा के जो CM है वो कौन है, नवनीत पटनायक. सो गाइस हेयर आई कंक्लूड माय लेक्चर. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस द कैटेगरी ऑफ द स्टेट. थैंक यू.